अकाल तख्त साहब के फैसले से टिप्पणी नहीं कर सकता कि सिंह साहब ने, मैं समझदा, बड़ा सख्त फैसला लिया। उन्होंने आख्या है कि भाई जब तक वो तनखाइया ने वो नहीं चोन या कोई ऐसी एक्टिविटी पार्ट नहीं लै सकते, लेकिन अज भी जेडे लोग सिर्फ नुक्स कटना जानते ने वो किंतु परंतु कर रहे हैं। वो आख रहे हैं कि फ्रेंडली मैच हो रहा है। मसला सिंह सभा के संज्ञान च, अकाल तख्त साहब के संज्ञान के विच है, और वो उत्ते टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होएगी। अकाल तख्त साहब तो हुक्म हो गया, उस तो सज्जे खब्बे अकाली दल नहीं जा सकता। जेडे भी होणगे धामी साहब नूं ऐलानिया गया, धामी साहब जितणगे और चंगी मेजोरिटी नाल जितणगे। जिहड़ियां क्यास राईयां लाईयां जा रहियां राहत नहीं मिली, जिमनी चोणां भी हैगियां ने। देखो कोई भी सिख अकाल तख्त साहब के फैसले से टिप्पणी नहीं कर सकता जी, और अकाल तख्त साहब के सिंह साहबान जो ठीक समझ रहे ने या उन्होंने नाल जिहड़े बाकी सिंह साहबान ने जो ठीक समझ रहे ने वो फैसला कर रहे ने। और कमाल की गल ये है कि सिंह साहब ने, मैं समझदा, बड़ा सख्त फैसला लिया। उन्होंने आख्या है कि भाई जब तक वो तनखाइया ने वो नहीं चोन या कोई ऐसी एक्टिविटी पार्ट नहीं लै सकते, लेकिन अज भी जेडे लोग सिर्फ नुक्स कटना जानते ने वो किंतु परंतु कर रहे ने। वो आख रहे ने कि फ्रेंडली मैच हो रहा है अकाली दल दे विच ते सिंह सभाना दे विच। मैनू ये नहीं समझ आती कि तुसी केड़ी चीज़ नू ठीक और केड़ी चीज़ नू गलत कहना चाहते हो। तुसी हरेक चीज़ दे विच नुक्स लभदे हो। मैं समझदा कि इस वेले मसला सिंह सभान दे संज्ञान च, अकाल तख्त साहब दे संज्ञान दे विच है, और उहदे उत्ते टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होएगी। हाँ, अकाली दल वास्ते ये बहुत वड्डा संकट की घड़ी मैं समझदा वा, क्योंकि इस प्रक्रिया दे विच जे की फैसला लैंदी है कोर कमेटी, ये देखना पएगा। और इन्हां हालातां दे विच, क्योंकि जदों तुसीं ये समझो कि तुहाडी लीडरशिप जिहड़ी है वो इस वेले उस दे उत्ते बंदिशां होण या तुहाडी जिद्दां फायर पावर हुंदी है, तुहाडे कोल हथियार चलाउण जोगे तुहाडे अपने ना, हुण मैं पोलिटिकल हथियारां दी गल कर रहा वां, उस वेले लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। सो की फैसला लएगा ये ते अकाली दल दी कोर कमेटी फैसला। लगदा कि जिमनी चोणां वी उत्थों हैगियां ने, गिद्दड़वाल दे विच लोकां दी मंग हैगी सी कि जरनैल तों बिना अधूरा लग रिहा। देखो गिद्दड़बाहा दे विच बादल परिवार का बड़ा लंबा उत्थे वड्डे बादल साहब तो लैके बादल साहब का बीबा का उत्थे बड़ा उन्हां दा अपना रसूख हैगा, ते उत्थों दी लोग चाहते सी कि बई वह परिवार इस चोण दे विच जरूर नितरे। पर हुण ये अकाल तख्त साहब का फैसला है, मैं समझदा वा इहदे उत्ते हुण अपनी मीटिंग होएगी अकाली दल दी, वो फैसला इस ते जो भी जायज़ बनेगा। लेकिन जो अकाल तख्त साहब तो हुक्म हो गया, उस तो सज्जे खब्बे अकाली दल नहीं जा सकता। भाजी करतारपुर साहब का मंगा 5 साल लई होर संगतां लई खोल दिता गया, राहत मिली है संगतां नूं, केड़ी राहत मिली कोरिडोर खोल दिता। मैं इहदा स्वागत करदा वा, जिहड़ा कोरिडोर खोलिया गया मैं अगले 5 साल वास्ते, मैं इहदा स्वागत करदा। सिख जिहड़े ने सवेरे शाम अरदास करदे ने, मैं समझदा वा कि भारत सरकार नूं चाहीदा कि पाकिस्तान दे नाल जिहड़ा इह बॉर्डर है साडा, इत्थों लाहौर किन्नी क दूर है, साडा ट्रेड वधे, पंजाब दे लोकां नूं असीं हमेशा आखदे हां कि पंजाब नाल मतरेई माँ दा सलूक कीता गया, तुसीं नाल दीआं स्टेटां नूं स्पैशल स्टेटस दे दिंदे हो, इंडस्ट्री वास्ते टैक्स माफ़ी दे दिंदे हो, पंजाब दा गल क्यों घुटदे हो। अज इत्थों दी लाहौर असीं नहीं भेज सकते समान नूं, या लाहौर तो इत्थे नहीं आ सकता, लेकिन इत्थों गुजरात जा के शिप हो सकता कराची नूं। मैं समझदा ये पंजाब दे नाल धक्का है। समझदा वा कि एस जी पी सी दे विच अकाली दल दी उम्मीदवार जिहड़े भी होणगे, धामी साहब नूं ऐलानिया गया, धामी साहब जितणगे और चंगी मेजोरिटी नाल जितणगे। जिहड़ियां क्यास राईयां लाईयां जा रहियां या कोई सरकारी प्रैशर पाए जा रहे ने, ये नहीं चलणगे। अकाली दल जिहड़ा धामी साहब ने वो बड़ी शान नाल जित्ता। सरकारां दा काम ये है, सरकारां दा काम ये है कि किसे तरीके
सिखा दिया तीन संस्थावां ने अकाल तख्त साहब श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी और अकाली दल ये तिना कमजोर करने की साजिशा हमेशा कीतिया ने अज भी सरकार कर रही पर इन्हों के मनसूबे कामयाब नहीं होंगे।